हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस और आज हम बात करेंगे कुछ यूनिक और औसम फील्ड स्टार्टअप आइडियाज के बारे में, जिनके आइडिया सच में बहुत ज्यादा यूनिक और औसम थे, लेकिन इसके बावजूद वो फेल हो गए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यार, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आखिर वो क्यों फेल हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो मेरी ये डिफाइन नहीं कर सकती कि उनके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। क्योंकि यार, एक जो स्टार्टअप होता है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फेल होने के। उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, टीम हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकता है, रिवेन्यू बिजनेस मॉडल हो सकता है, और एक मेरा छोटा सा वीडियो ये डिफाइन नहीं कर सकता कि आखिर वो क्यों फेल हुआ। तो ये बताना भी बेकार होगा और मैं बताऊंगा भी नहीं। इसलिए यार, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको कि जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये पूरे तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो चलो यार, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले स्टार्टअप पे मैंने रखा है एक ऑनलाइन को। दोस्तों, लाइफ में ना चाहते हुए भी कभी कभार ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहां पर हमें इमरजेंसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। वो जो सिचुएशन होती है, मतलब डू और डाई वाली होती है, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया, कहीं से गिर गए, कहीं से फट गए, कहीं मिर्गी वाले दौरे आ गए जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है और हमें इमरजेंसी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बिना मतलब खत्म है, खलास हो जाएंगे। और जो ये स्टार्टअप है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है। 2015 के करीब फाउंड हुआ था और 2019 में बंद भी हो गया, और लगभग इसने $35 मिलियन के करीब फंडिंग रेस की थी। तो जो इनका प्लेटफॉर्म है, वो ऑटोमेटिक डॉक्टर के साथ इन्हें कनेक्ट कर देता था वीडियो कॉलिंग पे, जो कि हेल्प करते थे उस सिचुएशन से बाहर आने में। अब बंदा कुछ वैसे ही केस हो गए कि अगर वो नहीं बच पाए तो अब उसमें वो डॉक्टर्स भी क्या करे। लेकिन इस स्टार्टअप का जो एक फीचर है, वो अगर कोई ऐसी कंडीशन होती थी जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा मतलब एम्बुलेंस की जरूरत होती थी, तो वो ऑटोमेटिक भेज देता था, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर था इसमें। और दोस्तों, मुझे लगता है ये स्टार्टअप वहां तो धूम मचा देगा, जैसे विलेज एरिया हो गया, जो गांव का एरिया हो गया, वहां तो यार आए दिन सांप आप काट लेते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, अगर मैं गांव में एक बंदे को सांप ने काट लिया था, तो वो हॉस्पिटल ले जाने के बदले उसे झाड़ फूक के यहाँ पर ले गए, और मतलब थोड़ा फनी सिचुएशन हो गया कि मतलब उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो उसे वो झाड़ फूक के पास ले गए। अब वो बंदा तो भाई बचा नहीं। मुझे लगता है कि अब थोड़े लोग अवेयर होंगे इस अंधविश्वास से कि इससे कुछ नहीं होगा, भाई हमें डॉक्टर चाहिए। और वहाँ पर तो रोड सड़कें भी ऐसी होती है कि वहाँ पर जल्दी हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकते, तो ये ऐप उनकी हेल्प करेगा थोड़ा बहुत वहाँ से निकलने में, थोड़ा बहुत सिचुएशन को हैंडल करने में, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया, और आपको ये बनाना चाहिए। और आजकल तो इंटरनेट तो हर जगह है, तो भाई इंटरनेट की तो प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये स्टार्टअप क्यों फेल हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इस स्टार्टअप से आप अच्छा खासा इंस्पिरेशन ले और इंडिया में थोड़ा बहुत यूनिक करें यार, मतलब देखो आप इसमें और ज़्यादा क्या यूनिक कर सकते हो। चाहे तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे स्टार्टअप पे, जिस पे मैंने रखा है मंकी बॉक्स को। बहुत ही ये फेमस स्टार्टअप था एक समय। इनका आइडिया भी बिल्कुल सिंपल था। ये क्या करते थे, जो स्कूल के बच्चे होते उनको हेल्दी और टेस्टी खाना प्रोवाइड करवाते थे। क्योंकि यार, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने जॉब में, और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को स्कूल के लिए हेल्दी और टिफिन प्रोवाइड करवा पाए, और वही बच्चे इनके टारगेट ऑडियंस थी। मुझे नहीं लगता कि यार ये इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि यार किसी भी माता पिता पे इतना टाइम तो होता ही है कि वो अपने बच्चे को अच्छा खासा टिफिन बना के मतलब दे दे। फिर भी यार ये स्टार्टअप अच्छा खासा चल रहा था। और सच बताओ तो यार, जो इनकी सर्विस है किसी भी मिडिल क्लास आदमी के लिए तो है ही नहीं। जो ये 22 दिन का मील प्रोवाइड करवाते तो वो लगभग 3000 रुपए के प्राइस के आसपास था, जो बहुत ही ज्यादा महंगा है भाई, 3000 तो बहुत ज्यादा होता। और भाई, जब से कोरोना वायरस आया ना, स्कूल कॉलेज बंद हुए, तब से तो भाई इनके स्टार्टअप पे जैसे अकाल सा पड़ गया हो। शायद ये एक रीजन हो सकता है इनके फेल होने का, क्योंकि यार अगर स्कूल कॉलेज ही बंद हो जाएंगे तो किसी ये टिफिन प्रोवाइड करवाएंगे। और दोस्तों, जब मैं इस स्टार्टअप के बारे में देख रहा था, तो ये क्या शुरू से इनके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस थे, कि बहुत ज्यादा 5-स्टार ऐप को हायर कर रखा था, न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन, पता नहीं किस पे मतलब बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई क्यों फेल हुए। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर इन सारी चीजों पे ये इतना ज्यादा खर्च नहीं करते, तो ये और ज्यादा जो इनका खाना है वो सस्ता कर सकते थे। अगर यार एक सिंपल सा टेस्टी खाना भी ये प्रोवाइड करवाते, तो इस स्टार्टअप का बहुत ज्यादा चांस था कि ये सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन कुछ भी कहो यार, इन्होंने थोड़ा बहुत तो यूनिक सोचा। अब दोस्तों, बात करते हैं अपने तीसरे स्टार्टअप आइडिया पे, जिस पे मैंने रखा है क्विरिकी को। दोस्तों, इनका आइडिया तो बहुत ज्यादा यूनिक और ऑसम लगा। ये एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो बंदा भी थोड़ा बहुत इन्वेंशन या इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है, तो वो अपना आइडिया इस प्लेटफॉर्म पे सबमिट कर सकता है। और जो इस स्टार्टअप की कम्युनिटी है, वो रिव्यू करती है उनके इन्वेंशन आइडिया पे कि भाई ये
मतलब रियल में बनाने लायक है या मतलब चूतिया काट रहे हैं। उसके बाद वो उस इन्वेंटर के साथ कॉन्टेक्ट करते थे और उनके साथ मिलकर उस प्रोडक्ट और आइडिया को रियलिटी में लाने की कोशिश करते थे। और सच बता रहा हूँ भाई, जो इनकी स्टार्टअप की टीम थी, जो क्विर्की की स्टाफ थी, जो इंजीनियर से बहुत ज्यादा हाई, मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल के इंजीनियर थे। लगभग 1.2 मिलियन इनकी वेबसाइट पे एक्टिव यूजर्स आते थे और लगभग हर दिन 12 से 13 हजार यूनिक आइडिया इन पे सबमिट होते थे। बहुत ही कमाल का आइडिया। और मुझे लगता है कि यार सोचो, बच्चों की कितनी कमाल कमाल की इमेजिनेशन होती है, इन्वेंशन करने के बारे में वो सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं यार, हर किसी पे कमाल का आइडिया होता है। और सोचो अगर ये मतलब उनको सच बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कमाल का और ऑसम आइडिया है यार ये। पता नहीं हम कौन कौन से गैजेट यूज कर पाएंगे, क्या पता डोरेमोन जैसी दुनिया भी बन जाए। बहुत ही कमाल का आइडिया लगा। और जरूरी नहीं कि आप भी उन इन्वेंशन को सच बनाने वाले ही आइडिया करो, चाहे तो आप स्टार्टअप की हेल्प कर सकते हो उसको रियल बनाने में। तो यार आज के लिए इतना ही करते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ दिन से वीडियो मैंने नहीं डाली थी और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत डाउन सी चल रही थी, और सोचा कि आज मैं लगातार 2 वीडियो डालूंगा, तो बस मैंने डाल दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जैसे कर सकते हो कर